देहरादून में परेड ग्राउंड स्थित नवनिर्मित बहुदेशीय हॉल में खेल मंत्री रेखा आर्य ने अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2022-23 की 5 दिवसीय प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। यह प्रतियोगिता में सभी टीमों के द्वारा मार्च पास्ट किया गया व सलामी ली गई, साथ ही सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन 20 फरवरी से 24 फरवरी तक किया जाएगा। वहीं इस टूर्नामेंट में कुल 18 राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी भी सम्मिलित हैं। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई देने के साथ ही सभी से खेल भावना के साथ खेल का आह्वान किया है।